हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंटू एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मेरे हर एक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आज हम लोग बहुत स्पेशल पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर्स यानी पिछले वर्ष 2018 का प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न देखिए, प्रश्न एक रहेगा, लेकिन हम उसका पूरा विस्तार रूप से बताएंगे, चारों ऑप्शन का पूरा हल सहित बताएंगे और वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी का 2018 का पिछले वर्ष का पेपर, उसी को आज हम लोग रिपीट करेंगे। रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। प्रीवियस ईयर यानी 2018 का, ठीक। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात। हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात, प्रश्न है हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात। ऑप्शन है, आप पहला ऑप्शन दिया है 1:2, दूसरा दिया है 2:1, तीसरा दिया है 1:8 और चौथा दिया है 8:1। देखते हैं हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात, यानी हाइड्रोजन का द्रव्यमान लगभग आपको 20 तक के तत्वों का द्रव्यमान याद चाहिए, तभी यह हल हो पाएगा। देखिए हाइड्रोजन के द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो पूछा है इनका अनुपात, ठीक। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से क्या बनता है, जल बनता है यानी कि H2O। तो हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का 1 है, तो हाइड्रोजन का 1 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 2, और फिर किसका अनुपात है, ऑक्सीजन का पूछा है, तो अनुपात लगाकर ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 16, तो 16 लिख देंगे। बस इसी का रेशियो पूछा है, तो ये हो जाएगा 1 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन का 16 है तो ऑक्सीजन का 16 लिख देंगे। अब इसी का अनुपात पूछा है, तब इसको कटा देंगे, 2 × 1 = 2 और 2 × 8 = 16, यानी कि 1:8, यानी कि मेरा अनुपात क्या हो गया, 1:8, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब देखते हैं इसी पे हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन के खोज किए थे हेनरी, हेनरी केंड्रिस ने हाइड्रोजन के खोज किए थे हेनरी केंड्रिस ने हाइड्रोजन के खोज किए हैं हेनरी केंड्रिस ने कब किए हैं, 1766 ईस्वी में। बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को बोला जाता है फ्यूचर ऑफ फ्यूल, यानी कि भविष्य का ईंधन। हाइड्रोजन का बोला जाता है भविष्य का ईंधन। बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन की खोज किए थे क्रिस्टले ने। क्रिस्टले ने कब किए थे, तो 1774 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न से कितना प्रश्न बना है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि हाइड्रोजन को फ्यूचर ऑफ फ्यूल यानी कि भविष्य का ईंधन किसे बोला जाता है, तो हाइड्रोजन के खोज किसने किए थे, तो हेनरी केंड्रिस ने। कब किए थे, तो 1766 ईस्वी में। बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की खोज किसने किए थे, तो क्रिस्टले ने। कब किए थे, 1774 ईस्वी में। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं।
दूसरा प्रश्न दिया कि विवादित फिल्म पद्मावत, यानी कि जो पद्मावत फिल्म आई थी, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? खिलजी का किरदार किसने निभाया था? किरदार या भूमिका, किरदार किसने निभाया था? किसने निभाया था? तो इसका डायरेक्ट हम आंसर बता दे रहे हैं, पद्मावत के अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाए थे रणवीर सिंह, रणवीर सिंह ने। ऑप्शन में रणवीर कपूर देता है, रणवीर कपूर नहीं है, रणवीर सिंह है। बात करते हैं इसके अलाउद्दीन जो खिलजी का किरदार निभाए थे किसने, तो रणवीर सिंह ने। बात करते हैं पद्मावत की, जो पद्मावत फिल्म थी इसके फिल्म के निर्देशक कौन थे? फिल्म के निर्देशक, तो फिल्म के निर्देशक हैं संजय लीला भंसाली, संजय लीला भंसाली, संजय लीला भंसाली। देखिए प्रश्न है, पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? तो रणवीर सिंह। ऑप्शन में रहेगा रणवीर कपूर, लेकिन रणवीर कपूर नहीं है, रणवीर सिंह है। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का किरदार हो गया, बात करते हैं पद्मावत में रानी पद्मावत की भूमिका किसने निभाई थी? तो रानी पद्मावत की भूमिका, रानी पद्मावत की भूमिका पूछे तो ये थी दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण है। ठीक, प्रश्न था कि पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? तो रणवीर सिंह। पद्मावत फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो संजय लीला भंसाली। प्रश्न निर्देशक में से प्रश्न पूछा जाता है। बात करते हैं पद्मावत में रानी पद्मावत की भूमिका किसने निभाई थी? तो दीपिका पादुकोण ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? किस मिशन के संस्थापक थे? किस मिशन के संस्थापक थे? तो ऑप्शन दिया है आर्य समाज, पहला ऑप्शन है आर्य समाज, आर्य समाज। दूसरा ऑप्शन है ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। तीसरा ऑप्शन है प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज। चौथा दिया है चिन्मय मिशन, चौथा ऑप्शन दिया है चिन्मय मिशन, चिन्मय मिशन। यानी प्रश्न दिया कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर एक सही है। बात करते हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, जो बनारस में बीएचयू के संस्थापक भी माने जाते हैं, जो बनारस के, बनारस में बीएचयू के संस्थापक माने जाते हैं, जो बीएचयू यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के संस्थापक माने जाते हैं। बात करते हैं प्रार्थना समाज के, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक है आत्मारंग पांडुरंग है, आत्मारंग पांडुरंग। देखिए प्रश्न था कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो
तो आर्य समाज के संस्थापक थे। बात करते हैं ब्रह्म समाज के, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय, जो बनारस में बीएचयू यूनिवर्सिटी के संस्थापक भी माने जाते हैं। बात करते हैं प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक है आत्मारूप पांडुरंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि सत्यवाद, ये तो प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, सत्यवाद कादियान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है फुटबॉल, पहला ऑप्शन है फुटबॉल, पहला ऑप्शन है फुटबॉल, दूसरा ऑप्शन है हॉकी, तीसरा ऑप्शन है कुश्ती, चौथा ऑप्शन है कबड्डी। प्रश्न है कि सत्यवाद का ध्यान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, ये तो प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और खेल से प्रश्न परीक्षा में एक या दो प्रश्न मिलता है। तो प्रश्न है सत्यवाद का ध्यान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, यानी ये कुश्ती से, ये कुश्ती करते हैं। बात करते हैं सत्यवाद का ध्यान भारत के किस शहर के रहने वाले हैं, तो हरियाणा के, हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। बात करते हैं इनकी जो शादी हुई है साक्षी मलिक, साक्षी मलिक, साक्षी मलिक से, जो साक्षी मलिक हैं ये भी कुश्ती से संबंधित हैं, ये भी कुश्ती से संबंधित हैं। साक्षी मलिक 2016 ओलंपिक में, 2016 ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भी रह चुकी हैं, कांस्य पदक विजेता भी रह चुकी हैं। बात करते हैं फुटबॉल की, तो फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। बात करते हैं हॉकी की, तो हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी। और हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। जो हॉकी है वो भारत का राष्ट्रीय खेल भी है, भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 होते हैं, और हॉकी क्या भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। बात करते हैं यहाँ कबड्डी की, तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, होते हैं तो 12, लेकिन साथ साथ होते हैं 12 होते हैं, जो 5 बैठे हुए रहते हैं। तो ऑप्शन में आएगा कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7, 12 होते हैं लेकिन 7 जो होते हैं प्लेयर में गिने जाते हैं और 5 बैठे रहते हैं। इसलिए अगर प्रश्न पूछे कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7। बात करते हैं कबड्डी की, तो कबड्डी किस देश की राष्ट्रीय खेल है, किस देश की राष्ट्रीय खेल है, तो कबड्डी है बांग्लादेश की, बांग्लादेश की राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी किस देश की राष्ट्रीय खेल है, तो कबड्डी बांग्लादेश की राष्ट्रीय खेल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया एक निम्नलिखित में से किस देश की तटरेखीय, प्रश्न है किस देश की, किस देश की, किस देश की तटरेखीय, किस देश की तटरेखीय रेखा, तटरेखीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है, विश्व में, विश्व में सबसे लंबी है, विश्व में सबसे
लंबी है। प्रश्न है किस देश की तटरेखीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है, तो ऑप्शन है पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन दिया है इंडोनेशिया, और चौथा ऑप्शन दिया है नॉर्वे। तो प्रश्न है किस देश की तटरेखीय रेखा विश्व की सबसे लंबी रेखा है, तो वो है कनाडा की, यानी कि ऑप्शन नंबर एक सही है। बात करते हैं कनाडा की, तो कनाडा की राजधानी है ओटावा, क्योंकि राजधानी से भी प्रश्न पूछता है, कनाडा की राजधानी है ओटावा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, और नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। यानी देखिए किस देश की तटरेखीय रेखा विश्व की सबसे लंबी है, तो है कनाडा की। बात करते हैं कनाडा की राजधानी, तो कनाडा की राजधानी ओटावा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है उस व्यक्ति को चुने जो एक समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि भिन्न छात्रा है। उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह के नहीं है। प्रश्न है कि उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह के नहीं है, यानी कि भिन्न बताना है। पहला दिया है अल्बर्ट आइंस्टीन। दूसरा ऑप्शन है थॉमस अल्वा एडिसन, यानी कि एडिसन। तीसरा ऑप्शन है विराट कोहली। और चौथा ऑप्शन है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह के नहीं है, यानी कि भिन्न छात्र है। तो बात देखिए है, पहला ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, दूसरा ऑप्शन है एडिसन यानी थॉमस अल्वा एडिसन, तीसरा है विराट कोहली, और चौथा है ग्राहम बेल। आपको देखने में तो ऐसे लग जाएगा कि विराट कोहली भिन्न है, क्योंकि ये क्रिकेटर खिलाड़ी है, ये बाकी सब वैज्ञानिक है। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट कप्तान भी है। बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन की, तो इनका फेमस एक फार्मूला है E=mc², ये ऐसे साइंटिस्ट भी हैं। बात करते हैं थॉमस अल्वा एडिसन जो विद्युत बल्ब का आविष्कार किए थे, बात करते हैं ग्राहम बेल की, तो ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कारक भी हैं। देखिए प्रश्न है उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह के नहीं है, यानी कि भिन्न कौन है, तो ये सब वैज्ञानिक है और ये भारतीय क्रिकेट के एक खिलाड़ी है। तो बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन की, एक फेमस फार्मूला है E=mc². एडिसन की बात करते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन की, तो ये विद्युत बल्ब का खोज किए हैं। बात करते हैं ग्राहम बेल की, तो ग्राहम बेल किसकी खोज किए हैं, तो टेलीफोन की खोज की। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है
भारत के किस सदन को, भारत के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। प्रश्न है कि भारत के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है। पहला ऑप्शन है राज्यसभा, पहला ऑप्शन है राज्यसभा, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा, तीसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है राज्यसभा, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा, तीसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, तीसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, चौथा ऑप्शन है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, चौथा ऑप्शन है उच्च न्यायालय। प्रश्न है कि भारत के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय, चौथा ऑप्शन है उच्च, तीसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, चौथा ऑप्शन है उच्च न्यायालय। तो भारत के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है, तो उच्च सदन बोला जाता है राज्यसभा को, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। बात करते हैं राज्यसभा के, तो राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की कितनी उम्र होनी चाहिए, तो 30 वर्ष। राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, 30 वर्ष। बात करते हैं लोकसभा के, तो लोकसभा को बोला जाता है निम्न सदन, निम्न सदन, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, और इसे प्रथम सदन भी बोला जाता है, प्रथम सदन भी बोला जाता है, लोकसभा को निम्न सदन भी बोला जाता है, लोकसभा को प्रथम सदन भी बोला जाता है। बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की, तो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है बोबड़े साहब, बोबड़े साहब हैं जो 47वें नंबर के हैं। बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की हेडक्वार्टर की, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली है, नई दिल्ली, यानी कि उच्चतम न्यायालय के मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली, जो भारत में एक है, उच्चतम न्यायालय भारत में सिर्फ एक है। बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के व्यक्ति के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए प्रश्न सिर्फ ऐसे ही देता है, 6 वर्ष से 65 वर्ष। बस प्रश्न आंसर में अगर प्रश्न दिया है कि उच्चतम न्यायालय के लिए उस व्यक्ति के लिए उम्र क्या होनी चाहिए, तो 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष के बीच, बस ऐसे ही देता है। बात करते हैं उच्च न्यायालय की, तो ये प्रत्येक राज्य में होता है, लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं जिनके, जिनका हेडक्वार्टर किसी अन्य राज्य में है, जैसे कई राज्य जैसे लक्षद्वीप का है केरल में है, वैसे ही, तो ये हर एक राज्य में नहीं है मानेंगे, लेकिन हाँ ये प्रत्येक राज्य के लिए होता है। लेकिन अगर कोई राज्य छोटा है जिसमें जिला के, जिलों की संख्या कम है, तो उसका जो उच्च न्यायालय की मुख्यालय है किसी अन्य राज्य में कर दी जाती है, जैसे हरियाणा की चंडीगढ़ में है और पंजाब की चंडीगढ़ में है। बात करते हैं उच्च न्यायालय की, तो इस व्यक्ति के लिए कितनी उम्र ऐसे देता है इसका, बस 6 वर्ष से 62 वर्ष, 6 वर्ष से 62 वर्ष के बीच, बस ऐसे ही प्रश्न देता है। अगर उच्चतम न्यायालय की बात करें, तो उच्चतम न्यायालय सिर्फ भारत में एक है, जो जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली। इस व्यक्ति के लिए उम्र क्या होनी चाहिए, 6 वर्ष से 65 वर्ष। इस समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है बोबड़े साहब, जो 47वें नंबर के हैं। बात करते हैं उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय जो कि जिस व्यक्ति की उम्र होनी चाहिए उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय में अगर कोई व्यक्ति अपना मुख्य, जैसे न्यायाधीश बनना चाहता है मुख्य न्यायाधीश, तो उसके लिए उम्र होनी चाहिए 6 वर्ष से 62 वर्ष के बीच में। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही हम एक प्रश्न से कई प्रश्न बनाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही प्रश्न रेलवे ग्रुप डी जो पिछले वर्ष का पेपर है वैसे ही हम लाएंगे। और हाँ देखिए, एक प्रश्न से लगभग 3-4 प्रश्न, 3 ही 4 प्रश्न ही कहे तो 5-6 प्रश्न तैयार हो जा रहे हैं,
और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो को लाते रहें और अच्छा कंटेंट है ये। और मैं अगला वीडियो में हम लोग मैथ रेलवे ग्रुप डी का मैथ और साइंस का पूरा न्यूमेरिकल देखेंगे, हम साइंस का भी न्यूमेरिकल देखेंगे, मैथ पूरा डिटेल से देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।